इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कहा गया है। फाइंड द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है इफ द बेस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और बेस की जो हमारे पास लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, और बस बेस की वैल्यू गिवन है जो कि है 2 सेंटीमीटर, तो बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हमने लिखा। अब पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। अब एरिया की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि 144, तो हमने यहाँ पे 144 लिख दिया इज इक्वल टू। अब बेस की वैल्यू जो है वो 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे बेस की जगह हमने 2 लिखा। अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमें सिर्फ अल्टीट्यूड चाहिए, तो 2 जो है वो अल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने क्या किया कि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब 144 को 2 से डिवाइड करें तो 72 आता है इज इक्वल टू, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास अल्टीट्यूड बचा जिसको ऐसे लिख दिया। अब हम वैल्यूज को सीधा कर लेते हैं, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 72 कर दिया। हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में जो यूनिट्स हैं वो दी हुई हैं, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिख दिया, तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया।